हमास और इसराइल के बीच जब से युद्ध जारी हुआ है तभी से इराक और सीरिया में तैनात अमेरिकी सैनिकों पर हमले भी बढ़ गए हैं। अमेरिका का कहना है कि इन हमलों के पीछे ईरान का हाथ है। इस बीच अमेरिका ने भी सीरिया स्थित ईरान से जुड़े कई ठिकानों को निशाना बनाया। हालांकि अब एक रिपोर्ट की माने तो अमेरिका सीरिया से हटने की योजना बना रहा है। अमेरिकी जर्नल फॉरेन पॉलिसी ने एक लेख में दावा किया कि अमेरिका सीरिया में अपने सैन्य प्राथमिकताओं पर पुनर्विचार कर रहा है। इसके पीछे की वजह बताई गई कि इसराइल हमास युद्ध के चलते पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव और शत्रुता बढ़ गई है और यही वजह है कि अमेरिका सीरिया से अपने सैनिकों की पूर्ण वापसी करा सकता है। हालांकि अभी सीरिया से हटने को लेकर अमेरिका ने कोई निश्चित निर्णय नहीं लिया है, लेकिन रक्षा और राज्य विभागों के चार सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट में बताया गया कि अमेरिका अब उस मिशन को बनाए रखने में निवेश नहीं कर रहा है जिसे वो अनावश्यक मानता है। आपको बता दें कि ये निर्धारित करने के लिए सक्रिय आंतरिक चर्चा चल रही है कि वापसी कैसे और कब हो सकती है। आपको बता दें कि अमेरिकी सैनिक सीरिया में ये सुनिश्चित करने के लिए मौजूद हैं कि आतंकी समूह इस्लामिक स्टेट या आईएसआईएस अमेरिका या यूरोप पर हमला न कर सके। हालांकि कुछ जानकारों का ये भी कहना है कि आईएसआईएस पर रोक लगाने के बहाने अमेरिका ने सीरिया में स्थायी उपस्थिति का बहाना बना लिया है। जान लेते हैं कि सीरिया में अमेरिकी सैनिकों की उपस्थिति और ईरान की भूमिका का क्या मामला है। सीरिया, ईरान और अमेरिका की इस उलझाऊ गणित को समझने के लिए साल 2011 में जाना होगा। दरअसल यही वो समय था जब सीरिया में उस दौर की सरकार के विरोध में आंदोलन शुरू हुआ और जनता सीरियाई तानाशाह बशर अल असद को गद्दी से उतारना चाहती थी। अपने खिलाफ चल रहे आंदोलन को कुचलने के लिए सरकार ने जनता पर क्रूरता शुरू कर दी। इसके बाद ये मुद्दा देश तक सीमित नहीं रहा और इसमें रूस, अमेरिका और ईरान जैसे देश भी शामिल हो गए। इस संघर्ष में ईरान और रूस तानाशाह का साथ दे रहे थे और अमेरिका सीरिया की जनता के साथ था। अमेरिका का सीरिया की जनता के साथ खड़े होने की एक वजह ईरान भी है, क्योंकि ईरान और अमेरिका एक दूसरे के दुश्मन हैं और रूस अमेरिका के बीच भी तनाव है, तभी से अमेरिकी सैनिक सीरिया में मौजूद हैं। हालांकि अब जब सीरिया में अमेरिकी सैनिकों की वापसी पर विचार हो रहा है तब ये समझना भी बहुत जरूरी है कि इसका किस पर और क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जानकारों का मानना है कि अमेरिकी सेना के हटने के बाद से आईएसआईएस फिर से एकजुट होने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ सेना की वापसी से अर्ध स्वायत्त क्षेत्र के कुर्द लड़ाकों का मनोबल टूटेगा और सीरिया में एक नया संघर्ष खड़ा हो सकता है। इसके साथ ही अमेरिका की विश्वसनीयता पर भी ठीक उसी तरह सवाल उठेंगे जैसे यूक्रेन को बीच रास्ते में छोड़कर उसकी मदद से किनारा करने को लेकर सवाल उठ रहे हैं।